चलिए एक बार फिर से लौटते हैं हाथरस की खबर पर। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे स्वयंभू बाबा साकार की सीक्रेट फाइलों में दर्ज राज भी बाहर आ रहे हैं। बाबा के सेवादारों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। बाबा साकार की महिला आर्मी की तस्वीरें सामने आने के बाद उसकी तुलना लीबिया के तानाशाह रहे कर्नल गद्दाफी से की जा रही है। इतना ही नहीं, बाबा की सुरक्षा में तैनात लोगों को बाकायदा कोड वर्ड से भी जाना जाता था। भगदड़ कांड के विलेन की सनसनीखेज कहानी। बाबा के सेवादारों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट। भूल गई बाबा की सुरक्षा की सीक्रेट फाइल। अचानक एक नाम टीवी से लेकर अखबारों तक सुर्खियां बन गया। सूरजपाल जाचा उर्फ नारायण साकार हरी। हाथरस भगदड़ कांड के बाद इसी नाम की चर्चा पूरे देश में है। ऐसा सिर्फ हादसे की वजह से नहीं है बल्कि बाबा सूरजपाल के उस लोक को लेकर है जो परत दर परत खुलकर सामने आ रही है। न्यूज 18 के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बाबा की सुरक्षा में तैनात लोगों को बाकायदा कोड वर्ड से जाना जाता था। गुलाबी ड्रेस वाले सेवादारों को नारायणी सेना के नाम से जाना जाता है। ब्लैक कमांडो यानी कि वो कमांडो जो बाबा के काफिले के साथ चलते हैं उन्हें गरुड़ योद्धा कहा जाता है। सर पर टोपा लगाने वाले और ब्राउन ड्रेस पहनने वालों को हरी वाहक कहा जाता है। हाथरस भगदड़ कांड की चर्चा पूरे देश में है। ऐसा हादसे की वजह से नहीं बल्कि सूरजपाल के उस आश्रम को लेकर है जो अब परत दर परत खुल रहा है। दरअसल में न्यूज 18 के हाथ एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है। बाबा की सुरक्षा में तैनात लोगों को बाकायदा कोडवर्ड के नाम से जाना जाता था। गुलाबी ड्रेस पहनने वाले सेवादारों को नारायणी सेना के नाम से जाना जाता था। ब्लैक कमांडो यानी ब्लैक कैट कमांडो के रूप में रहने वाले लोग बाबा की सुरक्षा में तैनात रहते थे और उन्हें गरुड़ योद्धा के नाम से जाना जाता था। सिर पर टोपी और ब्राउन ड्रेस पहनने वाले लोगों को हरिवाहक कहा जाता था। बाबा सूरजपाल की सुरक्षा में तैनात इन लोगों को बाकायदा सेना की तर्ज पर टुकड़ियों में बांटा गया है। मसलन ब्लैक कमांडो यानी कि गरुड़ योद्धा 20-20 की टुकड़ी में होते हैं। गुलाबी ड्रेस वाली नारायणी सेना के लोग 50-50 की टुकड़ी में होते हैं, जबकि हरी वाहक यानी कि टोपी और ब्राउन ड्रेस वाले 25-25 की टुकड़ी में होते हैं। बाबा की सुरक्षा में तैनात लोगों को बाकायदा सेना की तर्ज पर टुकड़ियों में बांटा गया। मसलन ब्लैक कमांडो यानी गरुड़ योद्धा 20-20 की टुकड़ी में होते हैं। गुलाबी ड्रेस वाले नारायण हरी 50-50 की टुकड़ी में होते हैं। वहीं हरिवाहक यानी टोपी और ब्राउन ड्रेस पहनने वाले 25-25 की टुकड़ी में होते हैं। यानी बाबा की सुरक्षा एक खास मैनेजमेंट के तहत की जाती थी जिसमें महिला सुरक्षा कर्मी भी शामिल थी। सवाल यही कि सूरजपाल की अपनी सुरक्षा इतनी पुख्ता रहती थी लेकिन उनका क्या जो बाबा सूरजपाल के एक इशारे पर न मौसम की परवाह करते और न ही किसी दूसरी चीज की। लोग तो बाबा साकार की महिला आर्मी की तुलना लीबिया के तानाशाह रहे कर्नल गद्दाफी से भी करने लगे। मानवता के दुश्मन और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर भरोसा नहीं करने वालों की सूची में लीबिया के इस तानाशाह की जिसने पश्चिमी देशों की नाक में ऐसा दम किया कि उसके खात्मे के लिए नाटो की फौज उतारना पड़ी। गद्दाफी बेहद रंगीन मिजाज शख्स था। उसकी सबसे करीबी सुरक्षा घेरे में खूबसूरत लेकिन बेहद खतरनाक लेडी किलर्स का दस्ता तैनात रहता था। इस डिक्टेटर ने अपनी सुरक्षा में विदेशी गार्ड्स लगाए थे क्योंकि उसे अपनों पर भरोसा नहीं था। बाबा सूरजपाल अपनी सुरक्षा में महिलाओं को रखता था जबकि उसके एक इशारे पर लोग न बारिश न गर्मी न धूप और कुछ भी करने को तैयार रहते थे मगर बाबा उन पर भरोसा नहीं करता था क्योंकि बाबा अपने जहन में कुछ और समेटे हुए था। लोग बाबा की तुलना
तानाशाह कर्नल गद्दाफी से करने लगे, क्योंकि